पब्लिक टीवी आपकी आवाज। चुनाव का बिगुल बज चुका है, ऐसे में जो प्रत्याशी लगातार समाजवादी पार्टी के लोग जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे या फिर यूं कहें कि वो अपना भाग्य आजमाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर एक तरह से कहा जाए कि उन्हें निराशा हाथ लगी है, और उसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ में कपूर साहब हमारे साथ में मौजूद हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी से टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन क्या वजह रही कि आखिरकार वो टिकट हासिल करने में कामयाब नहीं रहे, इसी पर चर्चा करेंगे। भाई साहब, हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या वजहें रहीं कि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको सफलता हाथ नहीं लग पाई। देखिए, जो मुझे महसूस होता है, एक तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी पे बहुत प्रेशर था लोगों का टिकट को लेके, क्योंकि अकेले वो दम पे सारा पूरी पार्टी संभाले हुए हैं, भाजपा जैसी पार्टी से भी लड़ रहे हैं, टिकट का वितरण भी कर रहे हैं, प्रेस भी कर रहे हैं, पब्लिक से रोज सुबह दोपहर शाम रात मिल भी रहे हैं ऑफिस आके, तो मुझे जैसा लगता है, क्योंकि हमारे ज़िले में जो है वो अंसारी बिरादरी बहुत है, क्योंकि ज़िले में कई अंसारी बिरादरी एडजस्ट नहीं हो रही थी, तो उन्होंने इसको लेके मुरादाबाद की जो नगर सीट 28 नगर सीट है मुरादाबाद की, उस पर एक अंसारी प्रत्याशी उतारा है। अच्छा, क्या लगता है कि जो 2022 का इलेक्शन है, किस करवट ऊँट बैठने वाला है? देखिए, हमें पूरा विश्वास है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से सरकार हम बनाने जा रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है मुरादाबाद की 6 के 6 सीट हम समाजवादी पार्टी जीतेगी। इससे पहले अगर देखें तो बहुत सारे कैंडिडेट थे जो लगातार दावेदारी कर रहे थे, उसके बाद में एकदम अचानक जो पूर्व विधायक रहे हैं उन्हीं पर भरोसा जताना किस हद तक सही माने? देखिए, क्योंकि मैंने जैसा आपको पहले कहा, क्योंकि एक अंसारी बिरादरी को एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ज़िले में अंसारी हमारे भाई बहुत अच्छी तादाद में है, तो मुझे लगता है माननीय राष्ट्रीय जी के दिमाग में रहा होगा कि एक अंसारी बिरादरी को एडजस्ट करना है, इसलिए मुरादाबाद में एक अंसारी बिरादरी का हमारे पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी साहब को एडजस्ट कर दिया। तो अगर आपकी बात करें तो किस तरह से आप इस चुनाव मैदान में साथ देंगे उनको? देखिए, हम पूरी तरीके से हाजी यूसुफ अंसारी साहब का साथ देंगे, तन मन धन से उनका साथ देंगे, उनका चुनाव लड़ा रहे हैं। आज भी मीटिंग थी, मीटिंग में हम खुल के कह के आए हैं कि टिकट तो खैर चाहे कितने भी आदमी मांगे, मगर टिकट तो एक ही इंसान को मिल सकता है, ये भी सत्यता है, मगर हमें माननीय अखिलेश यादव जी को हमें मुख्यमंत्री बनाना है, और उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। क्या फाइट अगर माने तो किससे फाइट मानेंगे समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी की अगर फाइट है तो हमारे मौजूदा विधायक श्री रितेश गुप्ता से ही हमारी फाइट होगी, हमारी समाजवादी पार्टी की, और मेरे को पूरा भरोसा है कि यूसुफ अंसारी साहब भारी बहुमत से ये सीट अर्जित कर लेंगे। तो ये थे हमारे साथ में कपूर साहब, जिन्होंने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है, और जो 2022 में सरकार बनाने की बात दावा कर रहे हैं, और सीधे तौर पर कहा जाए कि 28 नगर विधानसभा सीट पर हाजी यूसुफ अंसारी को जिताने की भी बात कर रहे हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं अंकित चौहान, मुरादाबाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।